में बुक बिहाइव से आपको अध्ययन कराया जा रहा है। आज लेसन 5 द स्नेक एंड द मिरर, इसका अध्ययन करेंगे। स्नेक यानी होता है सर्प और मिरर होता है दर्पण। इस सर्प और दर्पण के बीच की कहानी है कि जो जीव जंतु हैं क्या उन्होंने अपने आप को कभी दर्पण में देखा है, ठीक है, इसी के बारे में आपको बताया गया। इसके जो राइटर हैं वो हैं मोहम्मद बशीर। ठीक, चलते इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। एज द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर टू सेंटेंस, यानी एक और दो वाक्य में उत्तर देना है। व्हाट टू इंपॉर्टेंट द एन अर्थ शेकिंग डिविजन्स डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। दो जो इंपॉर्टेंट हैं, जब डॉक्टर दर्पण में देख रहा था तो उसे कौन से महत्वपूर्ण और धरती कंपन ऐसे निर्णय लिए। आंसर, वन ही वुड शेप डेली, सेकंड ही वुड ग्रो आर्थिन मोस्ट्रेट चुल्लुक मोर हैंडसम एंड ही वुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। जब डॉक्टर दर्पण में देख रहा था तो वह पहले रोज शेव करेगा और दूसरा वह पतली मूंछ हमेशा सुंदर दिखने के लिए उठाएगा और वह हमेशा एक आकर्षक मुस्कुराहट में अपने चेहरे पर रखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज मनी पोजीशंस। आंसर, द डॉक्टर इज अ पुअर पर्सन, ही इज हार्डली any money, he lives in an unnatural house, he had just started his medical practice, he had about his 6 rupees and he had only black coat. Question number 2, the kind of person he wants to be, appearance, ambition. Answer, the doctor wants to be rich. He also would like to have a good appearance. That is why he decided to grow his skin more straight. यानी जो व्यक्तित्व है वो क्या है, महत्वाकांक्षा है या कोई चीज? तो डॉक्टर जो है वो चाहता है हमेशा क्या रिच बनना चाहता है और हमेशा उसको गुड अच्छी चीजें अच्छी लगती थी और वह अपनी ऊंचों को कम रखना चाहते। क्वेश्चन नंबर 3, द पर्सन ही वांट्स टू, क्वेश्चन नंबर 3, द पर्सन ही वांट्स टू मैरी, व्यक्ति जिससे वह शादी करना चाहता है। आंसर, द डॉक्टर वांट्स टू मैरी अ वुमन, डॉक्टर ही वांट्स दैट शी शुड हैव अ गुड medical practice and a lot of money. She should be fat as not to run after him and catch him. मतलब वह एक महिला डॉक्टर से शादी करना चाहता था, उसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी हो और वो खूब पैसा कमाए, वह मोटी होनी चाहिए ताकि दौड़कर वो डॉक्टर को पकड़ ना सके। क्वेश्चन नंबर 4, द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज। आंसर, He marries a thin woman. She has a gift of a sprinter. मतलब कि वह उसके विचार, यानी ये वह वास्तविक में किससे शादी करना चाहता था? वह दुबली औरत से शादी करना चाहता था और वह उसे गिफ्ट में, और वह क्या है, तेज धावक। स्प्रिंटर का मतलब तेज धावक। स्प्रिंटर यानी तेज धावक।
धातु का कोई एक टुकड़ा जो फर्श फर्श के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जो छत है वो अच्छी है, एम्बिशन महत्वाकांक्षा नेक्स्ट अपीयरेंस यानी दिखने में आकर्षक कैसा है। नेक्स्ट है रास्कल, रास्कल का अर्थ है शरारती। नेक्स्ट है रीडिंग यानी तैयार होना। नेक्स्ट है अटेंटिवली, ठीक, अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से। नेक्स्ट है मिरर यानी दर्पण, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप डिक्टल वर्ड्स के मीनिंग को पढ़ा। लर्न एंड राइट क्वेश्चन एंड आंसर इन योर कॉपी, आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखना है, रीड द लेसन, आपको पढ़ना है लेसन को और अच्छे से याद करना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, जो कठिन शब्द आए हैं क्वेश्चन आंसर उसको भी लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच।